दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको गूगल के रिसेंटली लॉन्च टास्कमेट एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस एप्लीकेशन से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप टास्कमेट से कभी भी पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको टास्कमेट एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टास्कमेट एप्लीकेशन में आपको क्या गलती नहीं करनी है। अगर आपने वो गलती कर दी तो फिर आप कभी भी टास्कमेट एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों टास्कमेट एप्लीकेशन रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया और ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है बीटा वर्जन में, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो इसको अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। जब यह ऐप पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा तब आप इस ऐप में बहुत छोटे मोटे टास्क करके, जैसे कि किसी दुकान की फोटोग्राफ खींचना या फिर किसी सेंटेंस को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना, ऐसे छोटे मोटे टास्क करके आप पैसे कमा पाएंगे। और ऐसे छोटे मोटे टास्क करने के आपको 20 सेंट से लेकर $1 तक मिल सकता है, यानी कि लगभग 15 रुपये से लेकर 75 रुपये तक आपको सिर्फ ऐसे छोटे मोटे टास्क करने के मिल सकते हैं। और जैसे ही आपके अकाउंट में $10 यानी कि लगभग 750 रुपये होंगे तो आप उस पैसे को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे। अब दोस्तों ये ऐप प्ले स्टोर पर आ चुका है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रेफरल कोड की। लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं तो रेफरल कोड किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, गूगल का कोई भी रिश्तेदार नहीं है जिसको वो रेफरल कोड देगा। वो कुछ ऐसे टेस्टर्स हैं जिनको गूगल ने खुद अपॉइंट कर रखा होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास उस ऐप की एक्चुअल एक्सेस है और जो लोग इस ऐप को अभी यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको रेफरल कोड दे रही हैं। आप यूट्यूब टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो बड़ी लंबी लंबी लिस्ट बना के आपको रेफरल कोड दे रहे हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन रेफरल कोड को ट्राई मत कीजिए। अगर आपने उन रेफरल कोड को ट्राई किया तो फिर आपके साथ क्या होगा वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो दोस्तों यह है गूगल का टास्कमेट एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आप शायद नेट पे चेक करेंगे, बहुत सारी जगहों पर चेक करके रेफरल कोड डालेंगे और सोचेंगे कि कोई ना कोई रेफरल कोड तो लग ही जाएगा। तो मैंने भी ऐसा ही किया और एक रेफरल कोड डाला। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया तो नेक्स्ट स्टेप आ गया, मैं खुश हो गया, मैंने सारी लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी। उसके बाद एक्सेप्ट एग्रीमेंट का ऑप्शन आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे मज़ा आ गया। और भाई जैसे ही मुझे मज़ा आया ना, वैसे ही उसने बोल दिया कि ये कोड गलत है, दूसरा कोड डालो। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, हो सकता है कि कोड गलत होगा, दूसरा कोड डाल लेते हैं। वहाँ पे दूसरा कोड मिला तो मैंने दूसरा कोड ट्राई किया, और डालने के बाद उसको भी कंटिन्यू पे क्लिक किया तो इसने फिर से वही किया। मैंने सोचा इस बार सही हो गया, और दोस्तों दोबारा से मैंने एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कि आपकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट्स थी वो रीच हो चुकी हैं, अब दोबारा बाद में ट्राई करना। तो भाई मैंने सोचा कि हो सकता है एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, तो अब मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ तो मेरा जो कंटिन्यू का ऑप्शन है ना वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। मतलब अगर अब मेरे पास सही कोड भी होगा तब भी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। अब भाई अभी हो सकता है कि 2-4 दिन में दोबारा कोड डालने का ऑप्शन आ जाए, लेकिन अगर आप बार बार गलत कोड डालेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि आपको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए। तो आप बार बार गलत कोड मत डालिए, जब गूगल इसे पब्लिकली अवेलेबल कर देगा उसी टाइम आप इस ऐप को यूज़ कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।